चलिए अब पांच का पंच में बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। जी हां, बीजेपी की कांग्रेस फाइल्स की। भाजपा और कांग्रेस के बीच भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार उजागर करने की सीरीज चला रखी है। भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस फाइल्स का तीसरा एपिसोड जारी किया है, जिसमें भाजपा ने कांग्रेस के दौर में हुए कोयला घोटालों को लेकर यूपीए की मनमोहन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को भाजपा ने कोयला घोटाले को लेकर वीडियो जारी किया, जिसे भाजपा ने कांग्रेस मतलब करप्शन के नाम से सीजन 1 के एपिसोड 3 का नाम दिया है। जारी वीडियो में मनमोहन सरकार के कार्यकाल में साल 2012 में सामने आए कोयले घोटाले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया गया है कि कोयले की दलाली में कांग्रेस का हाथ ही नहीं बल्कि कांग्रेस की यूपीए सरकार पर कालिख पुत गई थी। कांग्रेस फाइल्स के तीसरे एपिसोड के बाद चौथा एपिसोड आएगा, जो कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले से जुड़ा होगा। 3 मिनट के इस वीडियो में कई मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर भाजपा ने कोयला घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और मनमोहन सिंह पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, लगातार जो है बीजेपी कांग्रेस की फाइल जो है कई एपिसोडों में बनाकर रिलीज कर रही है, लॉन्च कर रही है, जिसमें कहीं ना कहीं उन वीडियोस में, उन कांग्रेस की फाइल्स में कहीं ना कहीं कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब किया जा रहा है। और तमाम तरह के जो आरोप है यहां पर बीजेपी लगा रही है। चुनावी साल है, 2024 की तैयारियों को लेकर भी यह पूरी रणनीति स्ट्रेटजी मानी जा रही है कि बीजेपी कांग्रेस की एक एक नाकामियों को जो पिछले कार्यकाल में की गई थी उनको उजागर करने का यहां पर कांग्रेस फाइल्स के जरिए जनता के बीच में ला रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। उनके कार्यकाल में हुए घोटालों को जनता के बीच जाकर पुनः याद दिलाने की कोशिश कर रही है। और साथ ही भाजपा ने यहां पर कहा है कि कांग्रेस मतलब करप्शन, एक बड़ा नाम भी यहां पर दिया है कांग्रेस को।